हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल ओपन यूट्यूब। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे हमारे यूट्यूब वीडियोस के लिए नो कॉपीराइट वाले म्यूजिक यूज कर सकते हैं। होता क्या है गाइज, यूट्यूब पे जब हम नया नया चैनल क्रिएट करते हैं तो हमको लगता है कि हम हमारे वीडियो को कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया जाए, कुछ साउंड इफेक्ट्स लगा दिया जाए। बट होता क्या है ना, हमें उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है और सडनली क्या होता है कि हमारा चैनल चल पड़ता है, हमारे वीडियोज अच्छे अपलोड हो रहे हैं, सब्सक्राइबर बेस भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, व्यूज़ भी आ रहा है, तगड़ा काम सब कुछ चल रहा है। बट सडनली एक दिन हमारे चैनल पर आ जाता है स्ट्राइक और मिल जाता है हमें नोटिस, और वहां पर फिर आपके चैनल के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको यह पता नहीं था कि जो आपने म्यूजिक यूज किया है वो किसका है और उसको कितना क्रेडिट मिलता है, या आप उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, आपके पास उसका लाइसेंस है कि नहीं यूज करने का, वो सब चीजें हमें नहीं पता होती है। तो यहां पर इसी वीडियो के अंदर आज हम क्लियर करेंगे कि कैसे और कहां से आप अपने वीडियोस के लिए म्यूजिक निकाल सकते हैं और विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी स्ट्राइक, नो कॉपीराइट म्यूजिक यूज करके आप भी अपने वीडियोस को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ आखिरी तक। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल ओपन यूट्यूब। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, फर्स्ट प्लेस है जहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम है YouTube स्टूडियो। जी हां, YouTube ने अपनी तरफ से आपको ऑफिशियली एक ऐसा फीचर दे रखा है जहां से आप अपनी किसी भी वीडियोस के लिए म्यूजिक इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा YouTube स्टूडियो के अंदर और वहां पर क्लिक करना होगा ऑडियो लाइब्रेरी के अंदर। वहां जाके आपको फ्री म्यूजिक भी मिल जाते हैं, साथ में साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, और वहां से आप कोई भी म्यूजिक डाउनलोड कीजिए, उसको एड ऑन कीजिए अपने वीडियो के साथ और अपलोड कर दीजिए डायरेक्टली YouTube पर। आपको कभी भी वहां से कोई भी नोटिस या स्ट्राइक कभी नहीं आएगा और इजिली आपका जो वीडियो है वो काफी एंगेजमेंट वाला बन जाएगा, ताकि लोग बाग उसको इजिली इंजॉय कर सकेंगे। हाँ, हालांकि मैं जानता हूँ वहां पर कुछ लिमिटेड सोर्स है म्यूजिक के, कुछ अलग अलग टाइप के जॉनर्स भी हैं, बट लिमिटेड है। बट ठीक है, एज अ बिगनर, एज अ स्टार्टर, आप वहां से भी म्यूजिक ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब गाइस आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आपने नाम तो सुना होगा, एपिडेमिक एक वेबसाइट है जहां पर आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल ऑप्शन मिलता है। वहां पर आप जाके इजीली लॉगिन कीजिए अपनी आईडी से और वहां से 30 डेज का एपिडेमिक म्यूजिक आप यूज कर सकते हैं। कैसा भी आप म्यूजिक ये लेना चाहें, चाहे वो आपको सिनेमैटिक चाहिए हो, ट्रैवल की रिकॉर्डिंग चाहिए हो, चाहे वो आपको कॉमेडी के हिसाब से चाहिए हो, या ट्रांस म्यूजिक चाहिए हो, या पॉप, आपको जैज जैसा चाहिए हो, हर टाइप का म्यूजिक आपको मिलेगा। इवन वहां पर आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जहां तक मैंने देखा है, एपिडेमिक म्यूजिक भी काफी अच्छा काम कर रहा है। जहां पर आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और वहां से भी डाउनलोड करके अपनी वीडियो के साथ एड ऑन करके अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस, थर्ड पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है यहाँ पर NCS। अब NCS हर किसी को पता है और आज से काफ़ी पुराना चैनल है YouTube पे, काफ़ी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स भी हैं NCS के, बट आज भी NCS के म्यूजिक सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आपको पता है तो काफ़ी ऐसे बड़े के पॉप स्टार्स हैं जहां पर उन लोगों ने अपने कुछ नॉन कॉपीराइट म्यूजिक्स भी अपलोड कर रहे हैं, जैसे एलन वॉकर है एंड काफ़ी अलग अलग जने हैं जिन्होंने अपनी तरफ से अपने म्यूजिक दे रखे हैं वहां पे नॉन कॉपीराइट वाले। तो आप NCS के भी म्यूजिक लेते हैं और वहां से अपलोड करते हैं, मतलब डाउनलोड करने के बाद अपलोड करते हैं वीडियो के साथ में, तो भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका नाम है नॉन कॉपीराइट म्यूजिक। सो NCS नो कॉपीराइट साउंड्स भी आप वहां से यूज कर सकते हैं, तो ये भी काफी एक अच्छा ऑप्शन है, काफी यूट्यूबर्स उसे वहां से यूज करते हैं। तो गाइज, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट पे जो नाम है वो है यहां पे फिंग बीट्स। जी हां, ये एक न्यू चैनल है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो फिंग बीट्स के नाम से आपको मिल जाएगा और यहां पर कुछ लिमिटेड टाइप्स के आपको म्यूजिक मिल जाएंगे, बट काफी अट्रैक्टिव है, काफी अच्छे हैं। अभी जो मैंने म्यूजिक चला रखा है वो उन्हीं का है, फिंग बीट्स का। आप वहां पर देखेंगे तो आपको काफी म्यूजिक मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के, तो आप उनके भी इस म्यूजिक को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट और विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी स्ट्राइक, तो यहां से भी आप कर सकते हैं। अब जो लास्ट है गाइज, वो है आपको व्लॉग नो कॉपीराइट साउंड। जी हाँ,
अगर आप ट्रैवल के अकॉर्डिंग वीडियोस बना रहे हैं या आपका कोई सा भी ब्लॉगिंग के रिलेटेड आपका वीडियो है तो आप वहाँ से भी म्यूज़िक ले सकते हैं। हालांकि मैं तो हर तरीके के म्यूज़िक वहाँ से निकाल लेता हूँ, तो ब्लॉग नो कॉपीराइट म्यूज़िक भी आप निकाल सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के म्यूज़िक मिल जाते हैं, बट वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये देखना होगा कि वहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी है कि नहीं। वहाँ पर कुछ कंडीशन समटाइम्स ऐसी लिखी होती है, अगर आप कभी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लास्ट में मैंने हमेशा क्रेडिट दिया होता है म्यूज़िक को। तो व्लॉग नो कॉपीराइट के अंदर भी आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है, लास्ट में वो कहते हैं कि आप इस म्यूज़िक को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक डालना होगा। आपको वो नीचे ही मिल जाएगा कि आपको लिंक डालना होगा और उसका क्रेडिट जो भी नाम है वो देना होगा। ऐसा करने से गाइस क्या होगा कि आपके चैनल पे कभी भी स्ट्राइक नहीं आएगा, जहाँ तक मैंने मेरा एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने एक बार काफ़ी टाइम बार मैंने एक ही म्यूज़िक को बार बार यूज़ किया था और कई जगहों पे मैंने क्रेडिट्स ही नहीं डाला था, ना मैंने लिंक ऐड ऑन किया था। फिर मैंने देखा कि मेरे वहाँ पे ग्रीन डॉलर से येलो डॉलर पे हो गया, तो वहाँ पे मेरे लिमिटेड एड्स आने लग गए, तो मोनेटाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब मेरे को दिखने लगा कि मेरे चैनल पे एक साथ ऐसे ऐसे आ रहा है और वो येलो डॉलर पे कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, फटाक से जाके उनके लिंक्स को निकाल के उनके कॉपी करके उनको पेस्ट किया मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब जाके बाकी के तो जो आ गए थे वो तो आ गए थे, बट मैंने जब जो जिन पर नहीं आए थे उन पर जाके मैंने जब पेस्ट किया तो वो वहाँ पर स्ट्राइक नहीं आया। तो मैंने ये देखा कि अगर आप व्लॉग नो कॉपीराइट साउंड अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप उनके क्रेडिट्स दीजिए, आप वहाँ पे लिंक दिया होता है वो भी आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए लास्ट में कि ट्रैक नेम दिस और वॉट एवर इट इज़, आपको पूरा थोड़ा सा डिटेल उसकी तरफ से बना हुआ होता है, आप वो कॉपी कीजिए और उसको पेस्ट कर दीजिए। सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं करना है। तो यही कुछ तरीके हैं, यही कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इजीली म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो गाइज, अगर ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा चैनल को शेयर करें, मेरे वीडियो को भी शेयर करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। तब तक के लिए गाइज, थैंक यू फ्रॉम टेक्नो क्लब, टेक केयर।